नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक्सपर्ट स्टडी पॉइंट में। तो आज हम महात्मा गांधी से रिलेटिव जितना भी क्वेश्चन बनने वाला है वो सभी क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को अगर अच्छी तरह से देखते हैं अंत तक, तो महात्मा गांधी से जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उम्मीद नहीं करते कि आपसे छूटेगा। तो वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, अंत तक देखिए, और महात्मा गांधी से रिलेटिव जितना भी क्वेश्चन बनेगा वो सब आपको याद हो जाएगा। तो चलिए आज की ये जो क्लासें हैं उसको स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका होगा, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी की माता कौन थी। गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी की माता कौन थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुतली बाई। पुतली बाई जो थी उसकी माता के नाम थी पुतली बाई। और बता दें गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया। डायरेक्ट पहली बार है, यहाँ पे कोई देश की बात नहीं हो रही है भारत की। महात्मा गांधी पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारत में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था। अब देखिए यहाँ पे भारत लगा दिए हुए, तो भारत में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंपारण, जो कि बिहार में पड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहाँ से कब लौटे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1915। 1915 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किए। कि इस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंपारण। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन से ही महात्मा गांधी ने राजनीति में अपना कदम बढ़ाया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे। जब चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हुआ तो महात्मा गांधी के साथ साथ कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह थे उसके साथ में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गांधी जी किस कृषक आंदोलन से संबंधित है। गांधी जी ने कौन कौन से कृषक आंदोलन में भाग लिए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि
चंपारण सत्याग्रह आंदोलन में भी भाग लिए थे और खेरा आंदोलन में भी वो भाग लिए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किस में किया था? महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किस आंदोलन में किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद आंदोलन में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा? गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी ने काला कानून कहा था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में मार्च 1919 में धरना पर बैठे थे? महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में मार्च 1919 में धरना पर बैठे थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में महात्मा गांधी ने 1919 में धरना पर बैठे थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन निम्नलिखित में से किसके विरोध में किए थे? गांधी जी ने 1919 में सत्याग्रह सभा का आयोजन किसके विरुद्ध में किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉलेट एक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। गांधी जी को महात्मा कहकर प्रथम बार किसने पुकारा था? गांधी जी को महात्मा कहकर प्रथम बार किसने पुकारा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को पहली बार महात्मा कहकर पुकारे थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 वर्ष। 21 ईयर्स महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में अपना समय बिताए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंक दिया था? दक्षिण अफ्रीका में किस स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीटर माइरिट्स बर्ग में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिए थे? जन भाषण पहली बार वो वाराणसी में दिए थे। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। गांधी जी सच्चे समर्थक थे? गांधी जी किसके सच्चे समर्थक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग के गांधी जी सच्चे समर्थक थे। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी ने किए थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 महात्मा गांधी भी थे, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 चला था उसमें भी थे, लेकिन स्वदेशी आंदोलन 1905 में वो नहीं थे, क्योंकि महात्मा गांधी ने 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। चलिए तो इसके राइट आंसर तो हो गया ऑप्शन नंबर डी, स्वदेशी आंदोलन 1905 में महात्मा गांधी नहीं थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष किए थे? साबरमती आश्रम जो गुजरात में है उसका स्थापना गांधी जी ने कब किए थे? तो 1917 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? कौन से गोलमेज, तीन गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930, 1931 और 1932। तो महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित है? गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय से गांधी जी प्रभावित थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? सत्याग्रह शब्द का निर्माण महात्मा गांधी ने किए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में मिलने के गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए कौन गए थे? तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा उसके गुरु जी गोपाल कृष्ण गोखले। उसके राजनीतिक गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले, उसने गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में भेंट करने के लिए गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए थे? कांग्रेस के अध्यक्ष महात्मा गांधी सिर्फ एक बार बने थे, वो भी बेलग्राम अधिवेशन में चुने गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था, जबकि महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार कहा था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्थिक स्वतंत्रता का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया था? गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अस्पृश्यता का, जो संविधान के 17वें अनुसूची में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह अमेरिकी प्रशासक जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ में थे, वो कौन से अमेरिकी प्रशासक जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के समय साथ में थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लुइस फिशर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिए थे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी ने 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किसके खिलाफ किया था? गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किसके खिलाफ किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नमक के ऊपर टैक्स लगाने के खिलाफ में। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ किए थे? तो महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से प्रारंभ किए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन डांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ थे? चार ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना है कि कौन सा है जो डांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेब मिलर। बेब मिलर जो महात्मा गांधी के साथ थे डांडी मार्च यात्रा में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? गांधी इरविन समझौता पर 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को क्यों निलंबित किया गया था? असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चौरा चौरी में हुई हिंसक घटना के कारण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बीस सितंबर 1932 को यरवादा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरोध में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया था, तब महात्मा गांधी थे कहाँ पे? तो महात्मा गांधी उस समय कोलकाता में थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 जनवरी 1948 को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के लेखक कौन थे? माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। और हिंद स्वराज भी महात्मा गांधी ने ही लिखे थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यंग इंडिया, हरिजन तथा नवजीवन पत्रिकाओं का संपादन किसने किया था? यंग इंडिया, हरिजन तथा नवजीवन पत्रिकाओं का संपादन किसने किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक की रचना थी, हिंद स्वराज की रचना थी की थी तो कब की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे उस समय हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडियन ओपिनियन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा? कौन व्यक्ति ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब महात्मा गांधी मरे थे तो उसने कहे थे, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। गांधी जी के मन पसंदीदा भजन वैष्णव जन तो तेरे कहिए के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता नहीं, वैष्णव जन तो तेने कहिए के लेखक थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को जब गांधी जी का जन्म हुआ था तो उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका पहला ही ऑप्शन सही है, अहिंसा दिवस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने किए थे? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ही फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किए थे। चलिए हम वीडियो की आखिरी लास्ट तक पहुंच रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर ए हिंद के उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को ही ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर ए हिंद का उपाधि से सम्मानित किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा किससे प्राप्त हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेनरी डेविड थोरो को। महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा किससे प्राप्त हुई थी? हेनरी डेविड थोरो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विष्णु दिगंबर पलुस्कर।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल नहीं, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहकर बुलाया था। और आज का लास्ट क्वेश्चन, फिल्म गांधी में महात्मा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? जो फिल्म बनी थी गांधी, उसमें महात्मा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेन किंग्सले ने महात्मा गांधी की भूमिका निभाई थी। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा ही लगा होगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो डालूँ तो आप तक पहुँच पाए। और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और ज़रूर बताइएगा कि 55 में से कितना का आंसर आप जानते थे, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो के अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।